हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एचडीपी एक्सप्लोर में आप लोगों को और एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आपके घर पे स्मार्ट टीवी है तो उस स्मार्ट टीवी में इस मोबाइल से अगर कोई फिल्म या फिर कोई गाना या फिर कुछ फोटो, इसको हम कैसे अपने स्मार्ट टीवी में भेज सकते हैं। मान लीजिए मैंने कोई मूवी इसमें डाउनलोड कर लिया है और इस मूवी को अभी मुझे अपने स्मार्ट टीवी पे देखना है, तो हम अपने स्मार्ट टीवी में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं उसी चीज़ को आपको दिखाएंगे। बहुत ही आसान एक तरीका है और मैंने बहुत सारे तरीका को इस्तेमाल कर चुका हूँ, लेकिन कोई भी तरीका अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है कि मैं अपने टीवी में कोई भी फाइल या फिर कोई भी मूवी भेज सकता हूँ। तो इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आप अपने मोबाइल से अपने टीवी पे स्मार्ट टीवी मतलब कि स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी जो अभी मिलता है मार्केट में, उसमें अगर कोई मूवी अगर आपको सेंड करना है अपने इस मोबाइल फोन से तो आप कैसे सेंड कर सकते हैं। चलिए दिखाते हैं, स्मार्ट टीवी को चालू कर लेते हैं पहले। तो गाइस देख सकते हैं हमारा स्मार्ट टीवी जो कि है चालू हो चुका है और यहाँ पे देख लीजिए, ये रहिया, यहाँ हमारा जो टीवी है वाईफाई से कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो आपको पहले इंटरनेट से अपने स्मार्ट टीवी को कनेक्ट कर लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको रिमोट पे देखिए स्मार्ट कनेक्टेड है और मैं यहाँ पे अपने देखिए प्ले स्टोर में जा रहा हूँ। प्ले स्टोर में जाना है और देखिए प्ले स्टोर में आपका लॉगिन होना चाहिए, पहले से जो जीमेल आईडी होता है उसमें लॉगिन होना चाहिए और आपको यहाँ पे आके सर्च करना है। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे सर्च करके दिखा रहा हूँ, फाइल एक्सप्रेस फाइल टू, हाँ तो फाइल टू टीवी, ठीक है ना। मैं आप लोगों को पूरा लिख कर दिखा देता हूँ क्योंकि आप लोगों को सर्च करना पड़ेगा क्योंकि किसी किसी का में नहीं आता है ना। तो देखिए यहाँ पे देखिए फाइल टू टीवी सर्च कर रहा हूँ मैं और सर्च कर देता हूँ। अब देखिए सामने जो सॉफ्टवेयर आपको दिख रहा है ना, ये मेरे स्मार्ट टीवी में जो कि है पहले से इंस्टॉल्ड है ना, इसलिए यहाँ पे ओपन आ रहा है। तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ और देखिए ये कुछ इंटरफेस इस टाइप का रहेगा, अगर इसको इंस्टॉल कर लेंगे अपने टीवी पे तो इस टाइप का दिखेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको रिसीव में मतलब करना है, अगर आपको कोई मूवी अगर टीवी में लेना है अपने मोबाइल से तो आपको यहाँ पे रिसीव में क्लिक करना है। जैसे रिसीव में करेंगे तो आपका टीवी का इंटरफेस इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगले का जो प्रोसेस है अपने मोबाइल से करना पड़ेगा क्योंकि मोबाइल से इसमें फाइल ट्रांसफर करने वाले हैं। तो चलिए मोबाइल का स्क्रीन आप लोगों को दिखाते हैं। तो मान लीजिए मुझे इस मोबाइल से अपने टीवी में फाइल ट्रांसफर करना है, तो इसके लिए भी आपको इसका प्ले स्टोर में जाना है, ठीक है ना। इसके प्ले स्टोर में जाना है, सेम सॉफ्टवेयर आपको इसी में भी डाउनलोड करना पड़ेगा। फाइल वीडियो को लास्ट तक देखना तभी आप समझ पाएंगे कि किस तरह से इसमें ट्रांसफर किया जाता है, अगर अधूरा देखेंगे तो मतलब आप कर नहीं पाएंगे। फाइल टू टीवी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया और यहाँ पे मैं सर्च भी कर देता हूँ। जैसे सर्च कर देता हूँ देखिए यहाँ पे भी मैंने ये वाला सॉफ्टवेयर को पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है जो कि मेरा टीवी में इंस्टॉल्ड है ना। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। देखिए मैं ओपन कर, इसमें भी इंटरफेस कुछ इस टाइप का दिखेगा जैसे कि टीवी में दिखा रहा था ना, यहाँ पे सेंड और यहाँ पे रिसीव। तो देखिए आपको सेंड करना है, इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, सेंड पे क्लिक करना है। जैसे मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ देखिए यहाँ पे हमको फाइल चूज करने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। तो मान लीजिए मैं कोई मूवी यहाँ पे सेंड करता हूँ, तो देखिए मैं आप लोगों के सामने सेंड भी करूंगा और उसको प्ले भी करके दिखाऊंगा। आप चाहे तो देखिए कोई एप्लीकेशन भी यहाँ पे सेंड कर सकते हैं, कोई एप्लीकेशन बोले तो एपीके जो कि एंड्रॉयड में इंस्टॉल्ड होता है उसको भी सेंड कर सकते हैं। लेकिन मैं बस आप लोगों को अभी जस्ट कोई छोटा सा क्लिप या फिर कुछ फोटो भी भेज के देखा। देखिए मान लीजिए ये मेरे पास एक 5 MB का एक फोटो है जो कि एक डॉग का है, जो कि हमारा बहुत दिन पहले वाला एक डॉग था उसी का वीडियो है मतलब उसी का फोटो है। चलिए मैं इसको सेंड करने वाला हूँ। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे फाइल पे मतलब क्लिक किया हूँ, यहाँ पे देखिए MT9255T, ये हमारा जो कि है टीवी का नेम है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारा टीवी पे यहाँ पे भी शो हो रहा है, MT9255T, ये हमारा टीवी पे यहाँ पे शो हो रहा है। देखिए तो हमारे यहाँ पे टीवी यहाँ पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और देखिए यहाँ पे फाइल सेंड होना चालू हो गया है और हमारा टीवी पे भी दिखा रहा है कि ये सक्सेसफुली रिसीव हो गया है। तो यहाँ पे 5 MB का फाइल था तो ये ट्रांसफर होने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। अगर आप यहाँ पे कोई बड़ा मूवी 1 GB या 2 GB वाला मूवी यहाँ पे सेंड करते हैं तो उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो चलिए आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ कि टीवी में कहाँ पे ये फाइल स्टोर होता है। अब देखिए मैं यहाँ पे एग्जिट कर लेता हूँ
हर एक टीवी का अलग अलग होता है, तो मैं यहाँ पे हमारे टीवी के जो ऑप्शन होता है मैं आप लोगों को दिखा दीजिए। यहाँ से हमको जाना है फाइल मैनेजर में, देखिए फाइल मैनेजर हमारे यहाँ पे ही है, तो मैं इसमें क्लिक कर देता हूँ और देखिए यहाँ पे फाइल है और यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज दिखा रहा है और देखिए यहाँ पे कहाँ पे आया होगा, देखिए यहाँ पे डाउनलोड वाला जो ऑप्शन है ना उसमें क्लिक करना है और देखिए ये फोटो हमारा इसमें डॉक का आ चुका है। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल से अपने टीवी में फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे वो कौन सा भी फाइल हो। तो इस तरह से इस तरह का और भी ट्रिक आपको अगर देखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो आपको अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है।